नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में दहेज का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी में दूल्हे को मोटरसाइकिल नहीं मिली तो 8 दिन के बाद ही पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वही सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद उनसे कई खुलासे किए हैं। तो आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में दहेज की वजह से नई नवेली दुल्हन की हत्या कर दी गई। दरअसल शादी में दूल्हे को मोटरसाइकिल नहीं मिला तो 8 दिन के बाद ही पति ने उसका गला दबाकर हत्या कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि ये घटना जिले के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक नई बस्ती के रहने वाले जुम्मन अंसारी ने अपनी बेटी चांदनी की शादी गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के 1 लाख नगर में रहने वाले नदीम से 21 अप्रैल को कराई थी। जुम्मन अंसारी ने अपनी हैसियत के हिसाब से शादी में खर्च भी किया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही उसकी बेटी को पति और ससुराल के लोग शादी में मोटरसाइकिल न मिलने की वजह से प्रताड़ित करने लगे थे। जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो शादी के 8 दिन बाद ही पति नदीम ने पत्नी चांदनी की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं इस घटना को लेकर मृतक महिला चांदनी की बहन साइना ने बताया कि शादी 8 दिन पहले ही 21 अप्रैल को नदीम के साथ हुई थी। शादी में मोटरसाइकिल की ये लोग मांग कर रहे थे। वहीं 27 अप्रैल में 1 घंटे बहन से फोन पे बात हुई और सुबह उसकी सास का फोन आया कि घर आ जाओ। बहन ने कहा, हम लोगों ने जब जाकर देखा तो बहन की मौत हो चुकी थी। 2 दिन पहले भी बहन के पति नदीम ने माँ को भी चाकू मारा था, पर माँ ने बात बिगड़ने के डर से नहीं बताया था। अब इन लोगों ने उसकी बहन की हत्या कर दी। वहीं इस मामले में सीओ सदर सोनम सिंह ने बताया कि 28 अप्रैल को गंगा घाट कोतवाली में एक सूचना मिली कि 1 लाख नगर में एक महिला की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। वहीं पुलिस ने बताया कि दुल्हन के नाक से खून निकल रहा था। फिलहाल मायके पक्ष द्वारा पति के ऊपर हत्या का आरोप लगाया गया है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।